हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक को मैंने चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th से लिया है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली ही CBSE ने अभी सेट बी में एग्ज़ाम में उसे पुट अप किया है, और बहुत फ्रिक्वेंटली उस क्वेश्चंस को और उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स जो है CBSE पुट करती आ रही है पिछले कई सालों से। तो इस टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं जनरेट कर रहा हूँ, और जल्दी ही आप तक ये वीडियो शेयर कर दी जाएगी। क्या है वो टॉपिक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं इस टॉपिक को। द टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कनेक्टिंग स्लैब। क्या है इस आर्टिकल में, एक बार हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे कि क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर हमें। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कनेक्टिंग स्लैब। कैपेसिटर आप सभी जानते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपसे डिस्कस किया था। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरलर मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो एग्जामिनर हमें ये कह रहा है कि अगर इन दो पैरलर मेटल प्लेट्स के बीच में अगर हम एक कंडक्टिंग प्लेट्स को डाल दें, देन व्हाट विल हैपन। क्या कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर का बढ़ जाएगा, क्या कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर का कम हो जाएगा, या फिर वो सेम रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरलर प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरलर प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरलर प्लेट कैपेसिटर विद ए कनेक्टिंग स्लैब। एक कैपेसिटर दिया जाएगा आपको जिनकी दो प्लेट्स के ऊपर हम कुछ चार्ज मान के चल लेंगे कि से प्लस माइनस क्यू बी द चार्ज ऑन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर उसके बीच में एक कनेक्टिंग स्लैब डाल दी जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आज का हमारा आर्टिकल है। जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का, पिछली वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस किया था उसको। जो कैपेसिटेंस आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसका प्लेट एरिया ए है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट डी है, वो आया था एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। वी नो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरलर प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया इज ए एंड डी बी दी सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स एंड डी बिटवीन दी सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स इज गिवन बाय, ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसका प्लेट एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और जो डी है वो क्या है, सेपरेशंस बिटवीन द टू प्लेट्स, तो वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था। सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ द प्लेट्स एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरलर प्लेट्स। क्या
कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन आज का जो हमारा आर्टिकल है वो ये है कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की दो जो प्लेट्स हैं उसके बीच में अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दें तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, सेम रहेगा या फिर डिक्रीज होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर्स ले रहा हूँ। कैपेसिटर्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल मेटल प्लेट्स। दिस इज द टू पैरेलल मेटल प्लेट्स। दीज आर द टू पैरेलल मेटल प्लेट्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं दो पैरेलल मेटल प्लेट्स ले रहा हूँ। एक को मैं नाम दे देता हूँ से ए, एक प्लेट है मेरे पास ए बी एंड सेकंड प्लेट इज सी एंड डी। दिस इज द फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज द सेकंड प्लेट। तो दो प्लेट्स मैंने यहाँ पर ली हैं। तो लेट प्लस माइनस क्यू बी द चार्ज on the two plate of the capacitor having plate area A and separation between the plate is डी। मैंने मान लिया कि यहां पे मैंने आपके सामने दो पैरेलल प्लेट्स ली हैं कैपेसिटर की, जो कि एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, स्मॉल डी डिस्टेंस के ऊपर क्या है, सेपरेटेड है। और प्लस माइनस क्यू क्या है, इन कैपेसिटर की दो प्लेट्स के ऊपर क्या है, चार्ज। से प्लस क्यू बी दी चार्ज ऑन द प्लेट वन ऑफ द कैपेसिटर एंड माइनस बी दी चार्ज ऑन द प्लेट टू ऑफ द कैपेसिटर। तो मैंने यहाँ पे दो प्लेट्स आपके सामने दिखा दी, प्लस माइनस क्यू क्या है, चार्ज। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो ई नॉट होगी, इट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है। लेट ई नॉट इज द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग फ्रॉम प्लेट ए बी, मीन्स प्लेट नंबर वन टू प्लेट सी डी, मीन्स प्लेट नंबर टू। तो प्लेट ए बी से प्लेट सी डी की तरफ लग रही है। अभी इसका कैपेसिटर कैपेसिटेंस कितना है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब मेरा क्वेश्चन यहां अराइज होता है कि अगर मैं इसके बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दूं तो मेरे इस कैपेसिटेंस के ऊपर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या कैपेसिटेंस सेम रहेगा, बढ़ जाएगा या फिर घटेगा। तो मैं एक कंडक्टिंग स्लैब ले रहा हूं जिसकी थिकनेस क्या है, मान लेते हैं टी, जो कि लेस देन क्या है, डी। सो दिस इज द कनेक्टिंग स्लैब, दिस इज द कनेक्टिंग स्लैब। तो लेट अस सपोज ए कनेक्टिंग स्लैब, सपोज ए कनेक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी लेस देन डी इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। मैंने क्या किया, अब एक कनेक्टिंग स्लैब ली, दिस इज द कनेक्टिंग स्लैब जिसकी थिकनेस क्या है, आप देख पा रहे हैं इसकी थिकनेस टी है, जो कि लेस देन क्या है, डी है। जब इस कनेक्टिंग स्लैब को मैं इस कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में रखूंगा तो मुझे चेक करना है कि कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये मैंने एक कनेक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी जिसकी थिकनेस क्या है, टी, जो कि लेस देन है डी से। अब जब इस कनेक्टिंग स्लैब को इसके अंदर डाला जाएगा तो जो फ्री चार्जेस हैं इस कंडक्टर के, वो क्या करेंगे,
फ्लो करना शुरू कर देंगे ड्यू टू द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनके दो अपोजिट फेसेस के ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। मैं मान लेता हूं कि प्लस माइनस क्यू चार्जेस इनके दोनों अपोजिट फेसेस पे डेवलप हो गए, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, एक कनेक्टिंग स्लैब इसके बीच में डाली जिसकी थिकनेस क्या थी, लेस देन टी इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। तो क्या होगा, द फ्री चार्जेस ऑफ द कंडक्टर फ्लो ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होगा, जैसे ही कनेक्टिंग स्लैब को इसके बीच में डालोगे तो क्या होगा, फ्री चार्जेस फ्लो होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अप्लाई हो रही है। अब जब ये फ्री चार्जेस जो है फ्लो होंगे तो देयरफॉर प्लस माइनस क्यू बी दी चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन दी टू फेसेस ऑफ द स्लैब एज शोन इन फिगर वन। इसको मैं फिगर वन कह देता हूं, दिस इज फिगर वन, एंड रिड्यूस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। देखिए ध्यान से, ये मैंने क्या ली, एक कनेक्टिंग स्लैब ली जिसकी थिकनेस क्या थी, टी, जो कि लेस देन है किसने, डी से। जब मैं इस कनेक्टिंग स्लैब को इसके बीच में इंसर्ट करूंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा, तो जो इस कनेक्टिंग स्लैब के फ्री चार्जेस हैं वो मोशन में आ जाएंगे ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इस कनेक्टिंग स्लैब के दो फेसिस के ऊपर चार्जेस की मतलब इंड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। मैंने मान लिया कि प्लस माइनस क्यू बी द चार्जेस इंड्यूस ऑन द टू फेसेस ऑफ द स्लैब। अब क्या होगा, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस प्लेट ए बी, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और यहां पे नेगेटिव है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू। तो ये जो प्लस माइनस क्यू चार्जेस हैं ये इसके अंदर डेवलप हो जाएंगे। अब जब ये प्लस माइनस क्यू इन दो फेसिस पे डेवलप हो जाएंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चल पड़ेगी, दैट इज ईपी। मींस ईपी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइज मॉलिक्यूल्स, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड मतलब चार्जेस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगी, और जैसे जैसे ये चार्जेस इस पर डेवलप होते जाएंगे तो प्लस माइनस क्यू जब चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑन द टू फेसेस ऑफ द कनेक्टिंग स्लैब, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वैसे अभी कितनी होगी, ई नॉट माइनस ई पी, लेकिन जैसे ही ई पी की वैल्यू ई नॉट के बराबर हो जाएगी तो ई नेट आपके पास कितनी हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऊपर से नीचे आ रही थी चार्जेस के इंड्यूस होने के बाद, जो प्लस माइनस यहाँ इंड्यूस हो गए तो एक पोलराइज मतलब ये जो इंड्यूस चार्जेस थे इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सेट होगी। अब जैसे जैसे चार्जेस इंड्यूस होते जाएंगे तो ये स्ट्रांग होती जाएगी, जैसे ही प्लस माइनस क्यू यहाँ पूरा इंड्यूस हो जाएगा तो विच इज सेम एज दैट ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स ए बी एंड सी डी, तो ई पी आपका ई नोट के बराबर हो जाएगा, तो ई नेट आपका कितना हो जाएगा, जीरो। अब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब आपकी कितनी होगी, जीरो होगी। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करेगी, वो एग्जिस्ट करेगी कौन से रीजन में, डी माइनस टी, क्योंकि इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी है, जीरो, तो बच गया कौन सा रीजन, डी माइनस टी। सो द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
इज एग्जिस्ट ओनली ए रीजन ऑफ डी माइनस डी। अब अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या होगा, पोटेंशियल भी जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। तो इसका मतलब सो द पोटेंशियल डिफरेंस, सो द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय कितना आ जाएगा आपके पास, E नॉट इंटू डी माइनस टी। क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी को पता है वो सिर्फ D माइनस टी रीजन के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, और इसके अंदर तो क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, जीरो। तो V कितना हो गया, E नॉट इंटू डी माइनस टी। नाउ व्हाट इज E नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट दैट इज सिग्मा आवर टू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप देखें कैपेसिटर को ध्यान से तो इसके अंदर तो दो थिन शीट है, एक ए बी और एक सी डी। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ट्वाइस दैट ऑफ सिग्मा आवर टू एप्सिलॉन नॉट, मीन्स सिग्मा आवर एप्सिलॉन नॉट। तो वी इज इक्वल टू सिग्मा आवर एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। दिस इज बिकॉज ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा आवर एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ व्हाट इज सिग्मा, अब सिग्मा आप सभी को पता है सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो आ गया बिटवीन द टू प्लेट्स, कितना आ गया हमारे पास, Q by A epsilon naught into D minus T। तो कैपेसिटेंस हमारा फाइंड आउट हो गया। अब कैपेसिटेंस वी नो दैट कैपेसिटेंस कितना होता है, आप सभी पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अवर पोटेंशियल, means C is equal to Q by V। तो put the value of V in equation number 1, put the value of V in equation number 1, we get, अगर हम इस V की value को equation number 1 में रखेंगे तो आपका capacitance जो है वो बाहर आ जाएगा। तो दिस इज क्यू, ए एप्सिलॉन नॉट आपका ऊपर चला जाएगा, दैट इज डी माइनस टी, क्यू से क्यू कटेगा, तो सी कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। डी यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, वन माइनस टी बाय डी। नाउ व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, दैट इज द कैपेसिटेंस। तो सी इज इक्वल टू सी नॉट वन माइनस टी बाय डी। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या कैपेसिटेंस हमारा बढ़ा, क्या कैपेसिटेंस हमारा घटा, या क्या कैपेसिटेंस हमारा सेम रहा जब हमने कनेक्टिंग स्लैब को इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस किया। तो केस नंबर वन मैं मान लेता हूँ कि मैंने कोई कनेक्टिंग स्लैब इसके अंदर डाली ही नहीं है, तो इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी है, जीरो। अगर मैं ये मान लूँ कि मैंने कोई भी कंडक्टिंग स्लैब इसके अंदर नहीं डाली है तो टी की वैल्यू क्या है, जीरो। तो इसका मतलब जो हमारा कैपेसिटेंस है वो पहले वाले कैपेसिटेंस के जैसा ही आना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो चेक कर लेते हैं, इफ टी इज जीरो देन देखें ध्यान से, सी इज इक्वल टू सी नॉट। इसका मतलब जो आपका कैपेसिटेंस होगा वो देखें सी नॉट के बराबर ही आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी के बराबर ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं देखो टी की वैल्यू को, इफ टी इज इक्वल टू डी, केस नंबर टू, इफ टी इज इक्वल टू डी, अगर जो टी इज इक्वल टू डी मतलब एक कंडक्टिंग स्लैब जिसकी थिकनेस जो कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल मेटल प्लेट्स है उसके बराबर है, अगर उसके बराबर की थिकनेस की हम उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे प्लेट को, तो आप देखो सी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, द सी कम्स आउट टू वी, नाउ टी इज इक्वल टू डी,
तो t इज इक्वल टू डी, डी से डी कटेगा तो 1 माइनस 1 जीरो, तो c इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है हमारा, इन्फिनिटी हो जाता है। तो अब आप दोनों केसेस को ध्यान से देखें, जब हमने कोई कनेक्टिंग स्लैब नहीं डाली थी मतलब t की वैल्यू जीरो थी तो कैपेसिटेंस आपका ओरिजिनल कैपेसिटेंस के बराबर ही था, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। लेकिन जब हमने कनेक्टिंग स्लैब इसके बीच में डाली और उसकी थिकनेस जब d के बराबर थी, मतलब जो d जो सेपरेशन था टू पैरेलल मेटल प्लेट्स का उसके बराबर थी, तो कैपेसिटेंस हमारा इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि जो कैपेसिटेंस है ऑफ ए पैरेलल प्लेट मेटल कैपेसिटर वो इंक्रीज होता है व्हेन ए कनेक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस। इसका मतलब हमें क्या चीज पता चली यहाँ से, हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट मेटल कैपेसिटर is increases when a conducting slab is introduced between the plates। तो इसका मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि जब भी आप पैरेलल प्लेट मेटल कैपेसिटर्स के दो प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब को डालेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा आपका, रेज अप हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशंस अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कनेक्टिंग स्लैब। तो इस आर्टिकल में हमने देखा कि जैसे ही हम कनेक्टिंग स्लैब को दो पैरेलल मेटल प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब उसकी थिकनेस बिल्कुल डी के बराबर हो जाएगी, डी क्या था, गैप जो डिस्टेंस था दो पैरेलल मेटल प्लेट्स का, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो मैंने आज जनरेट की है और जल्दी ही आपको इस वीडियो को मैं आप तक शेयर कर दूंगा ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज़ प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर इट मैक्सिमम टू योर कोलीग्स योर फ्रेंड्स और सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ दिस वीडियो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको मेरी ये वीडियोस जो मैं डेली आप तक पहुंचा रहा हूँ वो आप तक पहुंच भी रही होंगी, अगर आप उन्हें लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी अपने साथियों को भी वो वीडियोस दें ताकि वो भी मेरे चैनल से मेरे इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सके और अपने कंसेप्ट को बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से समझ पाए, जो भी उनके डाउट्स हैं उसे वो क्लियर कर पाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। धन्यवाद।